गोहर डीएवी पब्लिक स्कूल गोहर के नए प्रधानाचार्य जय श्री चंद्रेश्वर कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण जो बच्चों के अध्ययन में एक कमी सी रह गई है उस कमी को सर्वप्रथम पूरा किया जाएगा। अब क्योंकि स्कूल पूरी तरह से डीएवी मैनेजमेंट सीएमसी न्यू दिल्ली द्वारा संचालित होगा, इसलिए पूरी तरह से स्कूल का पैटर्न सीबीएसई का रहेगा। स्कूल इस विषय में विशेष ध्यान देगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वह न केवल अंकों तक ही सीमित हो, वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपने आप को विकसित कर सके। बहुत जल्दी एनसीसी स्पेशल क्लासिकल डांस टीचर की सुविधा प्रदान करेगा। अभी तक जो भी गतिविधियां हो रही थी उनको वैसे ही सुचारू रूप से जारी रखेगी, प्रधानाचार्य ने कहा। स्कूल पहली भी शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत ही अन्य गतिविधियों में पूरे इलाके में अच्छा कार्य करता आ रहा है और इसी तरह से भविष्य में भी अपनी सेवाएं देता रहेगा, उन्होंने कहा। हाल ही में नैतिक मूल्यों पर आधारित विषय लेखन प्रतियोगिता में स्कूल की छात्रा ने भारतवर्ष में दूसरा स्थान हासिल किया। साथ में बाल विकास मेले में हर वर्ग में बच्चों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया। स्कूल की बस सुविधा भी बहुत जल्द सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। बाकी उन्होंने सभी अभिभावकों से भी निवेदन किया, वह यहाँ के सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों से उनके पास कोई विचार है जिसे हम इस स्कूल को और भी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सके तो उनका भी स्वागत रहेगा। तो ये और बाकी लोगों का सहयोग सबसे पहले, चाइल्ड सेफ्टी सबसे पहला है हमारा। तो उसमें कुछ जैसे अभी हमारी यहाँ स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा जरूरी है, उसके हिसाब से हमारे को रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है। जैसे बाउंड्री वॉल की कमी है उसका काम इमीडिएटली शुरू कर दिया जाएगा, और थोड़ा बहुत मतलब जैसे जो भी कमियाँ थी उसको कुछ हमने कर भी लिया है। जैसे यहाँ ये कैमराज और इसकी कोई प्रॉब्लम थी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की दिन में, वो भी हमने मतलब अभी इमीडिएटली पिछले कुछ दिनों में जब से स्कूल खोले हैं उसको हमने कम्प्लीट कर लिया है। पेरेंट्स कोऑपरेशन है, साथ में लोगों का कॉपरेशन है, तो ऐसा तो मैं मतलब आपको 100% बोलता हूँ कि स्कूल ग्रो करे और पेरेंट्स मतलब कॉपरेट करें बच्चे की, अगर उनके कोई उनको लगता है कि कमियाँ तो आए, इसीलिए मतलब हमारे को यहाँ भेजा गया है। तो आप शेयर करेंगे उसके साथ तो हम डेफिनेटली मतलब उस दिशा में प्रयास करेंगे, और पेरेंट्स की सजेशंस ऑलवेज मोस्ट वेलकम। उनको कभी भी मतलब ऐसा निराश करने का तो हम कभी भी कोई ऐसी हमारी तरफ से नहीं रहेगी कि वो यहाँ से नाराज होकर हमसे जाएं। और अगर वो ये चाहते हैं कि भाई बच्चा ये कमी है इसको इस तरह से इसमें सुधार आ सकता है, तो उसको पूरे स्टाफ के साथ और मैनेजमेंट कमेटी और हमारे पास पीडीए बनी हुई है, उनके प्रधान अभी यहाँ बैठे हैं, इनको भी हम यहाँ बुला करके सर्वसम्मति से जो निर्णय हो उस पर ही आगे बढ़ने के साथ जो है स्कूल का जो माध्यम है वो सिर्फ अंकों को मतलब कि ध्यान में रखकर केंद्रित नहीं रहेगा। मैंने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बहुत जल्दी ही मतलब हमारा एक्टिविटी जो आपके टीचर्स हैं, हम दो टीचर्स म्यूजिक और डांस के लिए, मैं अपने लेवल ज्वेरेंस नहीं हुई या फीस नहीं आ रही थी, कई तरह के नॉर्म्स ऐसे रहे और टैक्स पे नहीं थे, अभी हमने पिछले हफ्ते सब कुछ करवा दिया है। आज भी गाड़ी जो है मतलब हमारी सर्विस स्टेशन में खड़ी है, 25 को हमारे को पासिंग की डेट जो मिली है, ये तीन गाड़ियां हमारी 25 को पास हो जाएंगी और 26 से रूट पर चल पड़ेंगे। गोहर से संवाददाता कपिल शर्मा की रिपोर्ट।